आवत, अच्छे की आवत, अच्छे की आवत, यासी की आवत। हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज जो है मैं दरगाह आई हूँ और आज मैं आप सबको जो है दरगाह दिखाऊंगी। दरगाह अंदर से कैसा है मैं आप सबको दिखाऊंगी और दरगाह की हिस्ट्री भी बताऊंगी। जो कुछ भी मैं जानती हूँ दरगाह के बारे में वो सब मैं आप सबको बताऊंगी। तो आप सब जो इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए फिर चलते हैं अंदर से, अंदर से मैं आप सबको दरगाह दिखाती हूँ। तो चलिए फिर चलते हैं अंदर। दोस्तों, राजस्थान का अजमेर शहर जहाँ ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह है, जिसे अजमेर शरीफ के नाम से भी जाना जाता है, यह दरगाह अजमेर का गहना है। ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह का प्रवेश द्वार और गुंबद बेहद खूबसूरत है। इसका कुछ भाग अकबर ने तो कुछ भाग जहांगीर ने पूरा करवाया था। माना जाता है कि दरगाह को पक्का करवाने का काम मांडू के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया था। दरगाह अजमेर शरीफ का मुख्य द्वार निजाम गेट कहलाता है। उसके बाद मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा खड़ा किया गया शाहजहानी दरवाजा आता है। अंत में सुल्तान महमूद खिलजी द्वारा बनवाया गया बुलंद दरवाजा आता है। इस दरगाह में कोई भी आता है वो खाली हाथ नहीं जाता है, उसकी हर मुराद पूरी होती है। अजमेर शरीफ या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, जिनमें उनका मकबरा स्थित है। लोग यहाँ अत्यंत श्रद्धा के साथ मन्नत मांगने आते हैं और मुराद पूरी होने पर ख्वाजा साहिब का शुक्राना अदा करने आते हैं। आज इस दर पर हर धर्म के लोग दिखाई देते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम। यहाँ पर आपको हर धर्म के लोग दिखाई देंगे, वो अपनी मन्नत लेकर आते हैं और उनकी हर मन्नत पूरी होती है। यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं अपनी मुराद लेकर और ख्वाजा साहिब सबकी मुराद पूरी करते हैं। यहाँ अक्सर बॉलीवुड स्टार्स अपनी फिल्मों की सफलता के लिए दुआ मांगने आते रहे हैं। यहाँ तक कि बादशाह अकबर ने दरगाह शरीफ में दुआ मांगी थी कि उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी तो वो पैदल चलकर जियारत पेश करने आएंगे। सलीम को पुत्र के रूप में प्राप्त करने के बाद अकबर ने आगरा से 437 किलोमीटर दूर अजमेर शरीफ तक की यात्रा नंगे पैर चलकर की। यहाँ मन्नत मांगने के साथ पवित्र धागा बांधने का तो रिवाज है, परंतु मुराद पूरी होने पर खोलने का नहीं है। दरगाह के अंदर बेहतरीन नक्काशी किया हुआ एक चांदी का कटघरा है। इस कटघरे के अंदर ख्वाजा साहब की मजार है। यह कटघरा जयपुर के महाराजा राजा जयसिंह ने बनवाया था। दरगाह में एक खूबसूरत महफिल खाना भी है, जहां कव्वाल ख्वाजा की शान में कव्वाली गाते हैं। दरगाह के बरामदे में दो बड़ी देग रखी हुई है। इन देगों को बादशाह अकबर और जहांगीर ने चढ़ाया था। तब से लेकर आज तक इन देगों में काजू, बादाम, पिस्ता, इलायची, केसर के साथ चावल पकाया जाता है और गरीबों में बांटा जाता है। यहाँ पर मीठा चावल भी बनाया जाता है, वो भी गरीबों में बांटा जाता है।
इस दरगाह में जो कोई भी आता है अपनी मुराद लेकर उसकी हर मुराद पूरी होती है। सो फ्रेंड्स, आप सबको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और मेरी वीडियो में जो कुछ भी कमी है वो आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं कमी ढूंढ रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरी वीडियो में क्या कमियाँ हैं। तो आप सब जो है प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। अच्छाइयाँ तो सब बताते हैं, बुराइयाँ कोई नहीं बताता। तो आप प्लीज़ जो है मेरी कमियों को बताइएगा ज़रूर, तो मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगी। और आप सबको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, दोस्तों से शेयर कर देना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।